Personagem estimado no centro, delicado, sem amor, acertado em grave sorriso e aí, satisfeito, verde e aterrido, honrado e entendido. Tem aquela rica cão que era da forma que era ali, dimly electro-optical instruments, or HSTI chamam. Electronic Learning Management System की मदद से सीमा सुरक्षा बल ने आभासी प्रशिक्षण को एक नया आयाम प्रदान करते हुए प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी प्रगति हासिल की है। सीमा सुरक्षा बल ने टेलीमेडिसिन का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए दूर दराज तथा दुर्गम स्थानों में तैनात बल के कार्मिकों का विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से जरूरी और प्रभावी उपचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा चौकियों में सूरज की पहली किरण के साथ ही बल कार्यक्रम की गिनती शुरू हुई। नियमित कार्यों के पश्चात शारीरिक व्यायाम और योग बल के दहन किया गया निशान इसके उपरांत शुरू होता है। सीमावर्ती चौकसी से जुड़े कार्यक्रम के लोग हैं ओस में तैनात बल कार्यक्रम को ओस कमांडर द्वारा ड्यूटी और ड्यूटी के इलाके की जानकारी देने के पश्चात प्रहरी अपने गंतव्य स्थान ओपी ड्यूटी अथवा पेट्रोलिंग का निकल इसी प्रकार पोस्ट पर तैनाती के भर को आगे बढ़ाने के लिए अलग सुबह से तैनाती को दर्शाया जाता है। दैनिक प्रशिक्षण सीमा प्रहरियों का एक कार्यक्रम होता है जिसमें कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर व्यावसायिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए समय समय पर सीमा क्षेत्रों में स्पेशल ऑप्स किए जाते हैं। पेट्रोलिंग नाका आदि विभिन्न संख्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीमा प्रहरी संबंधित क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ से करते हैं। बल परिवार में शामिल होने के लिए जो बल संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग और अन्य विभिन्न विभागों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बल का पिक्चर क्वालिटी कैमन आछे जो कि स्क्रीनटा कि देखा जाच्छे एकटु कमेंट करे जानाबेन अन्य पदों मुख्य आरक्षक व आरक्षक जैसे अन्य पदों पर बल में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग और अन्य विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक विशिष्ट अभियान हर घर योजना की शुरुआत करते हुए संपूर्ण भारतवासियों से अपने घरों कार्यालयों आदि स्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सीमा सुरक्षा बल अपनी प्रत्येक इकाई में इसे जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। साथ ही सीमावर्ती व बल परिसरों के नजदीक रह रहे स्थानीय लोगों को तिरंगे के महत्व और इसे फहराए जाने के उद्देश्यों के प्रति जागरूक भी कर रहा है। देश के आंतरिक और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पहली विभिन्न रैलियों व जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति भावनात्मक निष्ठा का संचार करते हैं। बल का प्रत्येक पहलू अपनी जान की परवाह किए बगैर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मातृभूमि की सेवा और रक्षा करने का सम्मान और प्रखंड प्रभाव प्रचंड में हिमालय की ललकार है। चलती हृदय निर्जा हृदय में यही राष्ट्र की पुकार है। जय हिंद। যারা দেখছেন কমেন্ট করে জানান জয় হিন্দ। আজকে আপনার সামনে আপনার জীবন সংঘর্ষ ছোট সা হিসা সাজা করেন।